गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्कूल डोरसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स और मैथ्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति प्रश्नावली में अपन ने खूब सारे प्रश्न जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, छह नंबर के प्रश्न है, वो अपन ने हल कर लिए थे। अब इसके आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं उससे मैं रिलेटेड आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं उसका रिविजन कर रहा हूँ, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहां से मैंने बताया था ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होगा और ये कौन सा होगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा, ठीक है। यहां बताया था ये 0 डिग्री लाइन होगी, ये 90 डिग्री लाइन होगी, ये 180 डिग्री और फिर ये 270 डिग्री और इसको अपन 360 डिग्री लिख देंगे या फिर इसको 0 डिग्री पे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। पहला चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें मैंने एक नियम बताया था आपको, क्या नियम बताया था, ASTC का नियम बताया था। क्या बताया था, ASTC का, क्या कि यहां सभी मान पॉजिटिव रहेंगे। एक का मतलब एप्पल नहीं होता है, एक का मतलब क्या बताया था, ऑल होता है, ऑल का मतलब होता है सभी। यहां सारे त्रिकोणमितीय मान छह के छह मान क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मतलब आलकाई के रहेंगे, प्लस के रहेंगे। इसमें S का मतलब बताया था मैंने साइन, और साइन का उल्टा कोण होता है कोसेक। ये दो मान प्लस के रहेंगे, बाकी सारे मान काहे के रहेंगे, माइनस के रहेंगे। कौन कौन से बच गए, कोस, टेन, कोट और सेक। यहां ध्यान रखना ये टी आ गया, इसका मतलब टेन और यहां रहेगा कोट, ये दो प्लस के रहेंगे, बाकी सारे काहे के रहेंगे, माइनस के रहेंगे। लास्ट में क्या बच गया, सी का मतलब क्या होता है, कोस बच गया और एक कोण बच गया सेक। यहां पर ये दो मान प्लस के रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, माइनस के रहेंगे। ये मैंने आपको बताया था 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री रेखा जो है उसको अपन नो चेंजिंग रेखा बोलते हैं, इस पे कोई मान चेंज नहीं होता है। क्या बोलते हैं उसको, नो चेंज बोलते हैं या नो चेंजिंग रेखा। जो 90 डिग्री या 270 डिग्री की लाइन होगी उसको बोलते हैं अपन कौन सी रेखा, चेंज रेखा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास एक प्रश्न आ गया साइन 150, अब आप इसको चेंज करके भाई मान निकाल लें साइन 150 का, किस प्रकार से निकालोगे, बताया था मैंने कि इसको आप लिखोगे साइन 90 प्लस 30। सर ऐसा ही कोई जरूरी है, ये चीज मैंने आपको पहले रिपीट मार दी थी कि 90 के योग में लिखना पड़ेगा या 180 के योग में, 270 या फिर 360 के योग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लिखने को तो 150 को 75 प्लस 75 भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां 75 से अपन को पता नहीं चलेगा कि ये चेंज होगा मान या चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब इसको ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन 180 में से कितने घटाने हैं, 30, क्यों, 180 वाली लाइन पे भी है, बताया था 90 वाली लाइन पे चेंज होगा, इसका मतलब ये चेंज है कोण साइन, तो चेंज होके क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, थीटा कितना है 30, ठीक है। पहले वाले चतुर्थांश में ध्यान रखना साइन 90 मतलब कौन सा चतुर्थांश आ गया, 90 प्लस थीटा, ये वाला आ गया, और इसमें कौन कौन प्लस के हैं, साइन और कोसेक, तो ये पहला मान क्या है साइन, इसका मतलब ये प्लस का रहेगा, साइन प्लस का, इस मान को देखना है, इसको नहीं देखना है, जिसको अपन चेंज कर रहे हैं ना उस मान को देखेंगे, तो ये प्लस का रहेगा, जिसका मतलब कोस भी कहीं करेगा प्लस का रहेगा। यहां से आप चेंज करोगे 180 वाली लाइन पे कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको मैं ऐसा कैसा रख दूंगा, 180 माइनस 3 दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, थीटा कितना आएगा 30। अब देख लो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कोस 30 का मान कितना होता है, यहां 90 प्लस 60 हो जाएगा बेटा, ये 120, तो यहां 60 आ जाएगा, ठीक है। कोस 60 कितना होता है, अंडर ओ सॉरी 1/2 होता है, तो ये दोनों मान काहे के आगे, बराबर आगे। इसका मतलब ऐसे मैंने आपको एक चेंज करने का जो नियम था वो आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें आगे अपन क्या सीखने वाले हैं, देखो एक चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको वो ध्यान से देखना, आप क्या बताऊंगा इसमें, ये तो कोण निकालने का तरीका था, इसमें ही आपको यदि मान लो कोण नहीं ज्ञात करना हो, केवल ऐसे पूछ ले कि साहब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तब आप कैसे बताओगे, तो वैसे ही चेंज करेंगे जैसे अभी चेंज किया था। देखो 90 वाली लाइन पे चेंज होगा 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटाओगे तो यही आओगे, यहां आओगे, इसका मतलब चतुर्थांश पहला, इसमें सारे मान कहीं करेंगे प्लस के, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, और फिर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, ये आपके पास मान रहेगा, ठीक है। अब जैसे 90 माइनस थीटा वाले की बात कर रहे हैं अपन सभी की, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, 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 90 माइनस, हाँ बैठे आ जाइए,
90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा रहेगा सभी मान, ठीक है। यहां साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक ध्यान रखना, 90 माइनस थीटा वाली लाइन में सारे मान क्या होंगे, चेंज मान होंगे। अब चेंज होंगे तो आप ध्यान देना, सारे प्लस के रहेंगे, जबकि 90-90 साथ में आ रहा है तो चेंज भी होंगे। अब साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा अपने पास वाले मान में, तो साइन के पास कौन है, कोस में, तो कोस आ गया और थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक है। ऐसे ही कोस को आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन और साथ में क्या आ जाएगा, थीटा। टेन को चेंज करोगे कोट में हो जाएगा तो कोट थीटा, कोट को चेंज करोगे टेन में टेन थीटा, फिर सेक को चेंज करोगे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान आपके पास यहां रहने वाले हैं, ठीक है, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा जहां आएगा वहां मैं कोस थीटा अप्लाई कर दूंगा, जहां कोस 90 माइनस थीटा आएगा वहां क्या कर दूंगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा आएगा वहां कोट थीटा, जहां कोट 90 माइनस थीटा आएगा वहां टेन थीटा, जहां सेक 90 माइनस थीटा होगा वहां कोसेक थीटा, और जहां कोसेक 90 माइनस थीटा होगा वहां क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। मतलब ये मान आपको ध्यान रखने हैं, या आपके साथ में अभी आगे आप देखोगे वहां आपको हल भी करने पड़ेंगे। एक मैं 90 प्लस थीटा वाला और बता देता हूं, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में केवल इतना ही काम में आने वाला है। एक होता है 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, फिर होगा टेन 90 प्लस थीटा, फिर होगा कोट 90 प्लस थीटा, फिर होगा टेन सॉरी सेक 90 प्लस थीटा, और फिर होगा कोसेक 90 प्लस थीटा। ये मान आपके पास रहने हैं। अब ध्यान रखना 90 प्लस थीटा, पहली बात तो सब में 90 आ रहा है, इसका मतलब सारे मान एक दूसरे में चेंज होने हैं। दूसरी बात, 90 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, इसका मतलब कुछ जुड़ रहा है तो चतुर्थांश में आ जाएंगे, कौन से में, दूसरे में। अब दूसरे में आने का मतलब ये ध्यान, चतुर्थांश से क्या पता करोगे, यहां चतुर्थांश से इतना ही पता करना है कि कौन कौन से मान प्लस के हैं, कौन कौन से मान माइनस के हैं। ध्यान रखना एक तो साइन प्लस का है और एक है कोसेक, ये दो तो उत्तर प्लस में आएंगे, बाकी ये चार बच के इनके उत्तर कहां में आएंगे, माइनस में। 90 है तो चेंज सारे होंगे, कर दो, साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कोस, और थीटा की जगह थीटा, 90 प्लस थीटा में क्या रहेगा, कोस थीटा। लेकिन कोस 90 प्लस थीटा, ध्यान रखना कोस चेंज होगा तो साइन हो जाएगा और थीटा की जगह थीटा आएगा, लेकिन कोस दूसरे चतुर्थांश में बताओ भी कैसा है, माइनस का है, इसका मतलब माइनस का साइन थीटा। फिर टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा, सॉरी माइनस का कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक, और कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक दूसरे में क्या है, प्लस का, इसका मतलब यहां आ जाएगा सेक थीटा। तो ये दो मान प्लस के रहने हैं, बाकी सारे मान कहीं के रहेंगे माइनस के। आप ये चीज भी नोट कर लें, ये भी नोट कर लें, ये दोनों चीजें अभी आगे प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे उसमें काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो प्रश्न किस प्रकार के आपको आगे वाली प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, वहां से आपको एग्जाम में पूछता है तो एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, एक बार सीखने में ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन अब प्रश्न हल करना स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, हाँ सिद्ध करने वाले प्रश्न भी आएंगे, लेकिन उनमें आपको करना क्या है, मानों के आधार पर सिद्ध करना है। जैसे देखो एक प्रश्न है, टेन 49 बटे वे कोट 41, प्रश्न दे रखा है टेन 49 बटे वे कोट 41। अब कहोगे सर इसका मान ज्ञात करना है आपको, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, देखो मान ज्ञात करने के लिए पहली बात तो आप मिला लेना, अभी बताया मैंने पास पास वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसमें इस नियम में पास पास वाले एक दूसरे के साथ में संबंध बनाएंगे। कैसे, जैसे साइन है, साइन को चेंज करोगे किस में जाएगा, कोस में जाएगा, कोस को चेंज करोगे साइन में, मतलब साइन और कोस पास पास में है तो दोनों एक दूसरे में चेंज होंगे। ऐसे ही टेन और कोट की बात करेंगे तो टेन और कोट एक दूसरे में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, और सेक और कोसेक भी एक दूसरे में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। तो ध्यान रखना यहां टेन और कोट दे रखा है, इसका मतलब दोनों पास पास वाले मान हैं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे में चेंज होंगे, ये तो पता चल गया। दूसरी चीज क्या देखनी है आपको, दूसरी बात जो देखनी है वो देखनी है कि इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, ये 49 डिग्री है और ये 41 डिग्री है, जोड़ के देख लो 49 और 41 कितना हो रहा है, 90 हो जाएगा, 9 और 1 10, हासिल का 1 4 4 8 1 9,
ये चीज आप नोटिस रखना, ध्यान रखना। एक तो दो कोणों का योग 90 डिग्री करना है, दूसरी बात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, साथ में इन दोनों का योग 90 डिग्री, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब कैसे चेंज करना है, फिर इतना आपने समझ लिया इसका मतलब आगे आप प्रश्न को चेंज कर दोगे। अब इन दोनों मानों में से कोई सा भी एक मान उठाओ, आपको अच्छा लगता है ये वाला मान ये ले लो, ये लगता है ये वाला ले लो। चलो जी मैं 10 लेता हूं, एक को चेंज करना है कोई से भी एक को, क्योंकि 10 गुणछास, अब 10 गुणछास को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 90 माइनस कितने घटाऊंगी गुणछास आ जाए भाई, 90 में से कितने घटाऊं गुणछास आ जाए, तो सर 41 घटाने पड़ेंगे, बताओ भी 10 ही जगह 10, 90 में से 41 घटाऊं कितने आ जाएंगे गुणछास आ जाएंगे। अब 90 वाली लाइन है, इसका मतलब 90 माइनस थीटा है, पहली बात तो पहले चतुर्थांश में 90 है, चेंज होगा 10 किस में, कोट में, थीटा की जगह कितना है 41, ये लो जी 10 गुणछास को मैं कोट 41 भी लिख सकता हूं, इसका मतलब अपनी यहां लिखेंगे 10 गुणछास की जगह क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख लो इसको 10 गुणछास बटे वे कोट 41, 10 गुणछास को क्या अप्लाई कर सकता हूं कोट 41 और बटे पहले से कौन था कोट 41 और ये दोनों कट के कितना आ जाएगा एक, तो इसका उत्तर कितना आना है एक उत्तर आएगा। ठीक है आया समझ में, ऐसे प्रश्न अपन दो चार प्रश्न और हल करेंगे ना तो और समझ में आएगा आपको। ठीक है तो चलो ये प्रश्न आपका हल हो गया, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो रहेंगे 10 ऐसे ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना 1 0 2 3 ऐसे मान कुछ ज्यादा आएंगे। ठीक है जैसे आगे एक प्रश्न लेते हैं, साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, देखो साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 इसका मान आपको ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है तो देखो कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो दोनों सेम है, इसका मतलब एक को कोई से को भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहां मैंने बताया था आपको कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले आएंगे, लेकिन ध्यान दो यहां स्क्वायर दे रखा है, यहां स्क्वायर दे रखा है, यहां साइन स्क्वायर दे रखा है, यदि मैं यहां कोस स्क्वायर ले आऊं तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पहली सरल समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और थीटा का मान इसमें 50 है तो इसमें भी कितना लेके आना है 50, या फिर मैं इसको ऐसा कैसा रख लूं इसको चेंज कर देता हूं, कोई से भी एक को चेंज करना है। ठीक है तो चलो करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 40 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 50 लिख सकता हूं, कोई समस्या कि 90 में से 50 घटाए तो 40 आ गया, साइन स्क्वायर ऐसा कैसा। ठीक है अब 90 वाली लाइन पे ये चेंज होगा किस में, कोस में, तो कोस स्क्वायर और थीटा कितना है 50, इसका मतलब साइन स्क्वायर 40 जहां है वहां मैं क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 50 रख दो इसमें, तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 और कितना हो जाएगा एक, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहां लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, जहां थीटा के इक्वल कितना है बताओ भी 50 डिग्री, दोनों में 50 50 है। यदि यही प्रश्न ऐसे होता कि साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 40 तब कर देते या नहीं होता सर, क्यों और ऐसे नहीं करना है, साइन स्क्वायर 50 कोस स्क्वायर 40 कहीं ऐसे कर दो 40 और 50 90 हो रहे हैं या साइन स्क्वायर थीटा या कुछ, ये गलत हो जाएगा, एक नहीं करना है। कब करोगे एक, मैंने बताया था थीटा का मान भी दोनों में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, यहां 50 है तो यहां 50 होना चाहिए। ठीक है यहां 40 है तो यहां भी कितना होना चाहिए 40, तो ये अपने प्रश्न का हल आ गया, कितना आ गया इसका मान एक आ गया। ठीक है आगे और प्रश्न देखते हैं, देखो ज्यादातर आपको एक दूसरे के पास पास वाले मान ही देगा प्रश्न में और आप समझ जाओगे, ज्यादा कोई इसमें बड़ा इश्यू है नहीं। देखो 10 39 माइनस कोट 51, 10 39 माइनस कोट 51 यह आपको प्रश्न दे रखा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे कोई से भी, देखो 10 और कोट पास पास वाले मान है, इसका मतलब एक को चेंज करना पड़ेगा, इसको कर देते 10 39, चूंकि 10 39 बराबर क्या लिख सकता हूं 10 कितने में से 90 में से कितने घटाऊं 39 के लिए 51 घटा दूं। ठीक है यहां से आप देखोगे 90 वाली लाइन पे 10 चेंज हो जाएगा किसमें कोट में और थीटा कितना है 51, इसका मतलब 10 39 की जगह क्या लिख सकता हूं कोट 51 रख दो, कोट 51 माइनस कोट 51 पहले से था कटा कितना आएगा बताओ भी कट जाएगा कितना आएगा जीरो मान आएगा, ये इसका उत्तर हो गया। आसान आसान से प्रश्न है, आगे देखो आगे है प्रश्न, सेक 50 साइन 40, सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50, कोसेक 50। ठीक है देखो कैसे करेंगे, यहां से देखो आप ये सेक है, इसको आप चेंज करोगे किसमें हो जाएगा कोसेक में हो जाएगा, ये कोसेक में हो जाएगा, कोसेक कितना हो जाएगा 40, इसको चेंज करोगे क्या हो जाएगा
साइन 40 को कोस 50 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप देखोगे इस कोस 40 को चेंज करोगे तो साइन 50, इनमें से एक एक मान को चेंज करना है। देखो कैसे चेंज करोगे, पहली बात तो मैं जब इसको लिखूं किसको से एक 50 को, तो क्या लिख सकता हूं, एक बटा हुआ साइन 50 भी लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, एक बटा साइन 50 लिख सकता हूं। इसको चेंज करूंगा कोस से एक को, तो क्या लिख सकता हूं, एक बटा हुआ साइन 50 लिख सकता हूं। ये तो हो जाएगा एक बटा साइन 50, ये हो जाएगा एक बटा हुआ कोस 50। अब साइन 40 बटा कोस 50 और ये हो जाएगा कोस 40 बटा हुआ साइन 50, दोनों में से एक एक को चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे अपन चेंज करेंगे, देखो मैं इसको हल करूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। देखो कैसे सेक को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक बटा हुआ कोस हो जाएगा और थीटा 50 है तो 50 गुणा में कितना साइन 40 प्लस, फिर ये हो जाएगा कोस 40 और कोसेक 50 को चेंज करोगे तो एक बटा हुआ कितना हो जाएगा साइन 50, ठीक है। आगे हल करता हूं तो क्या हो जाएगा, साइन 40 एक से गुणा होके साइन 40 और कोस 50 बटे में है ही, ठीक है। प्लस कोस 40 एक से गुणा होगा कोस 40 बटे कितना हो जाएगा साइन 50, ठीक है। अब देखो साइन और कोस एक दूसरे के पास पास वाले मान आ गए, इनमें से इन दोनों का योग भी देख लो कितना हो रहा है 90, यहां भी इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90 और एक दूसरे के पास पास वाले मान, मतलब दोनों में से एक एक को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें से मैं साइन 40 को चेंज करता हूं तो चूंकि साइन 40 बराबर क्या लिख दूंगा, साइन 90 में से कितने घटाने पड़ेंगे 50 घटाने पड़ेंगे। अब 90 वाली लाइन पे साइन तो चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस और थीटा कितना हो जाएगा 50, तो इस साइन 40 की जगह कोस 50 अप्लाई कर सकता हूं। इसको चेंज कर लो पुनः कोस 40 क्या हो जाएगा बताओ, भी कोस 90 माइनस कितने घटाऊं 50। अब कोस चेंज होगा किसमें, साइन में, और थीटा की जगह कितना है 50, मतलब कोस 40 जहां होगा वहां तो साइन 50 लिखूंगा, जहां साइन 40 होगा वहां क्या लिखूंगा कोस 50 लिख दो। साइन 40 की जगह कोस 50 यहां रख दिया तो कोस 50 बटे कोस 50, ठीक है। प्लस यहां कोस 40 या साइन, कोस 40 की जगह साइन 50 फिर लिख सकता हूं तो यहां हो जाएगा साइन 50 बटे हुए साइन 50, यहां कट गया एक प्लस यहां कट गया एक और एक कितना हो गया 2, ये इसके उत्तर आ गए। तो आराम से आप इनको हल कर सकते हो, कोई बड़ी खानी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले साइन को इसमें चेंज कर लिया, फिर अपोजिट मान एक दूसरे के पास पास वाले मिल गए, फिर इनमें से एक एक को चेंज कर लिया और मान रख दिया, क्या आ गया उत्तर आ गया, ठीक है। देखो आगे एक प्रश्न है जो गुणा में है, ये तो जोड़ में चल रहे थे, अभी एक गुणा में प्रश्न आएगा जो सारा ही गुणा में है, ठीक है। किस प्रकार उसको हल करोगे, देखो प्रश्न है टेन 15 टेन 20 टेन 70 टेन 75 टेन 15 टेन 20 टेन 70 और टेन 75 और बराबर में आपको एक सिद्ध करना है, मतलब उत्तर अब की बार यही दे दिया कि आपका उत्तर एक आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, LHS लो, LHS में देखो टेन 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 टेन। अब आपको करना क्या है, मैंने एक चीज आपको नोट करवाई है कि जिन दो का योग कितना हो, जिन दो का योग कितना हो 90 डिग्री हो उनको पास में लिखना है। देखो जैसे 15 डिग्री है, 15 में कितना और जोड़ने पर 90 आएगा 75, तो इन दोनों को मैं पास पास में लिख लेता हूं, तो टेन 15 गुणा टेन 75 लिख सकता हूं। फिर यहां से आप देखोगे टेन 20 टेन 70 इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90, तो यहां इन दोनों को पास पास में लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों में से करना क्या है, एक एक को चेंज करना है, चेंज करने का भी तरीका होना चाहिए। देखो कैसे, या तो आप पहले चेंज कर लो या फिर मैं इनमें से, चलो पहले चेंज कर लेते हैं, चलो चूंकि टेन 15 को मैं चेंज कर लेता हूं, एक एक को चेंज करना है इन दोनों में से। पास में क्यों लिखा कि इन दो में से एक को चेंज करना है और इन दो में से एक को चेंज करना है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री था, इसलिए इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इन दोनों का योग 90 डिग्री, तो इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। टेन 15 है, इसको क्या लिख सकता हूं, टेन 90 में से कितना घटा दूं 75, टेन किस में चेंज कोट में और थीटा कितना 75। फिर इसी प्रकार पुनः क्या हो जाएगा, टेन 20 है, इसे टेन 20 को क्या लिख सकता हूं, टेन 90 माइनस कितना 70, टेन चेंज होगा किस में कोट में और थीटा कितना 70, मतलब टेन 15 है वहां कोट 75 और जहां टेन 20 है वहां कोट 70 रख दो, टेन 15 की जगह कितना रखना है कोट 75, तो कोट 75 गुणा टेन 75 और फिर गुणा टेन 20 की जगह आप क्या रखोगे कोट 70 रख देंगे सर, कोट 70 गुणा टेन 70। अब इसको सर कैसे हल करें, मैंने बताया था आपको पास पास वाले, मतलब जो अपोजिट मान होंगे वो एक दूसरे से गुणा होने पर कितना आएगा एक, कल भी बताया था साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर होता है एक, लेकिन थीटा यहाँ क्या होना चाहिए समान होने चाहिए। अब देखो कोट और टेन एक दूसरे में परिवर्तित, या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो कोट को चेंज कर दो,
एक बटावा क्या लिख सकता हूँ, 10/75 गुणा क्या हो जाएगा 10/75 गुणा कोट 70 को चेंज करूंगा, 1/10 70 और गुणा 10/70। ठीक है, 10/70 से 10/70, 10/75 से 10/75 कंप्लीट में कितना मान बच गया, 0 बच गया, 0 बच गया, कितना बचा, 1 बच गया, कितना 1, तो 1 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, जो भी आपको प्रश्न ने दे रखा था उस प्रश्न में अपन ने दो दो मान ऐसे ढूंढे जिनका योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो उनको पास पास में लिख लिया। अब पास पास में लिखने का जो कारण था वो सबसे बड़ा कारण यही था कि पास पास में इसलिए लिखा कि अपन को पता चले कि इन दो में से अपन को एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। कर लिया मैंने, यहां कोट 75 यहां कोट 70, अब यहां मान रख दिया, फिर हुआ कि ये कटे नहीं, तो कटने के लिए या तो कोट को 10 में चेंज करो या 10 को कोट में चेंज करो, तभी तो कटेंगे, तो इसलिए मैंने कोट को 10 में चेंज कर लिया, यहां कोट को ये कट गए सारे, कितना उत्तर आ गया, 1 उत्तर इसका आ गया। तो इस प्रश्नावली में आपको इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं आनी है, आप आराम से हल करोगे तो इसको आराम से सीख सकते हो, 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, तो आराम से आप इसको तैयार कर सकते हो। बस केवल थोड़ा सा चेंज करने वाला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मान किस प्रकार से चेंज करना है। ठीक है, थोड़े से आपको सूत्र भी याद होने चाहिए। जैसे आगे एक प्रश्न दे रखा है, देखो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है 3 नंबर का। क्या प्रश्न है, 10 to a बराबर कोट a माइनस 18 आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको एक प्रश्न दे रखा है जिसमें आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अब देखो जो आपको प्रश्न दिया है उस प्रश्न में आप देखोगे यहां 10 है यहां कोट है, इसका मतलब 10 को आप चेंज करोगे तो किसमें जाएगा, कोट में, कोट को आप चेंज करोगे तो किसमें जाएगा, 10 में जाएगा, तो दोनों में से कोई से भी एक को आप चेंज कर लो। ठीक है, चलो सर इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसमें माइनस है तो थोड़ा अपने से गलत होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, तो इसमें कोई माइनस वगैरह नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। चलो जी मैं चेंज करता हूं, तो चेंज करने पर क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, चूंकि 10 to a बराबर 10 तो चेंज होगा किसमें, कोट में, 10 कोट में चेंज होगा, और कितने में से घटाओगे, 90 में से कितना घटा दोगे, 2a। अब वापस देखना एक बार, कोट 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाली लाइन पे चेंज होगा, कोट चेंज हो जाएगा किसमें, 10 में, थीटा कितना है, 2a आ गया, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब इस 10 2a की जगह क्या रख सकता हूं, कोट 90 - 2a रख दो, यहां कोट 90 - 2a बराबर कोट a माइनस 18 लिख सकता हूं, कोट से कोट कट जाएगा, क्या बचा केवल 90 - 2a बराबर a माइनस 18। अचर का एक तरफ, चर का एक तरफ पक्षांतरण कर लेंगे। ठीक है, करो पक्षांतरण, यहां 90 है, 18 इधर आएगा कहीं का हो जाएगा प्लस का, यहां a था, 2a उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा प्लस का, कितने a, 3a बराबर 108, और a बराबर 108/3, a का मान 36 × 72 36 × 108, तो a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री, और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था प्रश्न में। आया समझ में, यहां थोड़ी सी एक समस्या रहेगी, आप जल्दबाजी ना करें, देखो ऐसा लिखना है इसको, मतलब पहले ही चेंज कर देना है, वहां अपन बाद में चेंज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां अपने पास ये मान जो था पूरा था, इसलिए मैं इसको 90 में से घटा के लिख रहा था, लेकिन यहां जो 2a है उसको आप 90 में से घटा नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको लिखा है 90 - 2a। अब जब 90 आ गया तो इसका मतलब ये 10 चेंज होगा किसमें, कोट में, तो कोट 90 - 2a। अब वापस इसको चेंज करोगे, कोट किसमें चला जाएगा, 10 में, थीटा कितना है, 2a है, उल्टा चेंज करके देखना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोट चेंज होगा 10 में और थीटा कितना है, 2a आ गया। ठीक है, 90 वाली लाइन पे चेंज होना है। ठीक है, तो यहां आप इस 10 2a की जगह कोट 90 - a यहां अप्लाई कर सकते हो, रख दिया, कोट से कोट कट गया, क्यों किया था, इसीलिए किया था कि ये कोट से कोट हट जाए तभी अपन इसका a का मान निकाल पाएंगे, तो कोट से कोट कट गया, यहां बच गया ये बचा, पक्षांतर करके हल करके a का मान आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलो जी एक प्रश्न और देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, देखो प्रश्नावली आप हल करना, आराम से हल कर लोगे। ठीक है, चलो क्या प्रश्न है, देखो मैं कुछ मोस्ट प्रश्न ही बताऊंगा प्रश्नावली में से, क्योंकि ये प्रश्नावली इतनी टफ नहीं है, आप आराम से हल कर सकते हो इसको। ठीक है, आगे प्रश्न जो है, हाँ संबंधित प्रश्न सारे बता दूंगा कि ऐसा प्रश्न भी आपकी किताब में है, उसको भी आपको हल करना है। देखो क्या है, sec² 10 - cosec² cot² 80
कोट स्क्वायर 80 नहीं होना चाहिए, ये कोसेक स्क्वायर 80। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा, ठीक है। कोट स्क्वायर 80 प्लस साइन 15 कोस 75, कोस 15 साइन 75, साइन 15 कोस 75 प्लस कोस 15 साइन 75, ठीक है। और बटे, बटे में मान दे रखा आपको कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। अब प्रश्न तो आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, ये दे रखा है कोस साइन 90 माइनस थीटा, कोस साइन 90 माइनस साइन कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपको प्रश्न दे रखा है, प्रश्न तो दिखने में बड़ा ही दिखेगा आपको, मतलब थोड़ी सा परेशानी में डालने के लिए भी प्रश्न बड़ा देगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न बड़ा है, उत्तर बड़े इसके छोटे हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां दो दे रखे हैं 80 और 10 90 हो रहे हैं, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, बाकी देखा जाएगा बाद में कौन किसको क्या हल करेगा, किस प्रकार से हल करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों का योग 90 हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। कर दो इसको, कर दो इसको, कर दो, बताओ किसको करेंगे, इसको कर दे, इसको कर दे, इसको करोगे तो आपको थोड़ा सा अलग तरीका मिलेगा, इसको करोगे तो अलग तरीका क्या मिलेगा सर, देखो अभी बता देता हूं। मैं लिखता हूं चूंकि सेक स्क्वायर 10, क्या लिखूं बताओ भी, सेक स्क्वायर 90 में से कितने घटाऊं सर, 80 घटा दो तब 10 आ जाएंगे, ठीक है। अब सेक तो चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक में, तो कोसेक स्क्वायर, और थीटा कितना आ जाएगा 80, तो कोसेक स्क्वायर 80 कितना होता है, सेक स्क्वायर 10। अब आपने इसको चेंज किया ना, तब तो ये बना कोसेक स्क्वायर 80 माइनस कोट स्क्वायर 80, मतलब यहाँ कोसेक माइनस कोट बना। यदि आप इस कोट को चेंज करोगे तो कोट किस में चेंज होगा, टेन में होगा, मतलब यहाँ आपके पास जो सूत्र बनेगा वो बनेगा सेक माइनस टेन, क्या बनेगा सेक। दो सर्वसमिका थी, दूसरी और तीसरी क्या थी, एक में तो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और एक में था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक। तो इन दोनों में मान तो एक ही होगा, चाहे तो ये आ जाए चाहे ये आ जाए, मान तो इसका एक ही होगा, थीटा की जगह अपने पास दोनों में समान मान आएंगे। जैसे इसमें मेरे पास यहाँ 80 आ गया, यहाँ कितना है 80, तो 80 तो इसमें आएगा, लेकिन आप जब इसको चेंज करोगे तब ये 10 है तो ये भी कितना आएगा 10 आएगा, तो यहाँ थीटा दोनों में सेम रहेगा, तो इसका मतलब कोई समस्या नहीं है। यहां देखोगे 15 और 75 दोनों का योग कितना हो रहा है 90, इसका मतलब इन दोनों में से एक को चेंज करना है। यहां देखोगे यहां भी 90 हो रहा है, इन दोनों में से देखो किस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं साइन 15 कर लेता हूं, पुनः साइन 15 क्या लिखोगे बताओ भी, साइन 90 में से कितना घटाओगे 75 घटाओगे, ठीक है। अब साइन तो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कोस, और थीटा कितना रहेगा 75, मतलब जहां साइन 15 है उसकी जगह क्या रख सकता हूं कोस 75, क्या रख सकता हूं कोस 75, ठीक है। और इन दोनों में से एक चेंज हो गया, यहां दोनों में से एक चेंज कर लो, कोस 15 को कर दो, कोस 15 बराबर क्या लिखोगे कोस 90 में से कितने घटाओगे 75। अब यहां कोस तो चेंज हो गया किसमें साइन में, और थीटा कितना है 75, कोस 15 की जगह साइन 75 रख देंगे, साइन 15 की जगह कोस 75 रख देंगे, जहां सेक स्क्वायर 10 है वहां कोसेक स्क्वायर 80 रख देंगे, मतलब ये हल हो गया ये हल हो गया। नीचे आ जाओ, कोस थीटा है यहां, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बताओगे, साइन 90 माइनस थीटा, 90 वाली लाइन पे साइन तो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कोस, थीटा कितना है थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा कोस थीटा से गुणा होगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन ऐसा कैसा इसको चेंज करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा गुणा होकर साइन, मतलब नीचे फॉर्म जो बनेगी हर में क्या बनेगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है उसका मान कितना होता है। चलो रख देते हैं इसमें मान, रख दो भी सेक स्क्वायर 10 की जगह क्या रखूंगा कोसेक स्क्वायर 80, कोसेक स्क्वायर 80 माइनस पहले से कौन था कोट स्क्वायर 80, फिर प्लस का चिन्ह, यहां साइन 15 की जगह, यहां साइन 15 की जगह आप क्या रख दोगे, यहां साइन 15 की जगह आप अप्लाई कर दोगे साइन 15, क्या निकला था कोस 75, तो यहां हो जाएगा कोस 75, पहले से कौन था कोस 75 प्लस कोस 15 को चेंज किया आपने साइन 75, रख दो साइन 75 और गुणा साइन 75 और बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा सर कोस थीटा तो पहले से है, इसको आप चेंज करोगे तो कोस थीटा हो जाएगा प्लस ये साइन थीटा है और इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। हल कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एक होता है प्लस
ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 75 प्लस ये इससे गुणा होगा साइन स्क्वायर 75 और बटे यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, एक होता है, थीटा समान है तो फिर इसका मान भी कितना होगा एक, तो एक बटा एक भाग दोगे एक प्लस एक कितना आ जाएगा दो, ये इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का हल है। प्रश्न है आगे, एक और प्रश्न है, क्या प्रश्न है, आराम से हल कर सकते हो। जिन दो का योग 90 डिग्री होगा ना, उन दोनों में से एक को श्योर चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान ये भी रखें कि गुणा में है तो कौन कौन से वो अपन पास पास में रखें। प्रश्न आप हल करोगे तो तुरंत पता चलने लग जाएगा, इतना बड़ा कोई इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है जो आपको सीखना है उसमें टाइम लगेगा। आसान से पॉइंट है, पहले भी बता दिया था, आज जब क्लास स्टार्ट हुई उससे पहले मैंने आपको रीडिंग करवाई है, तो आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। आगे प्रश्न है, क्या प्रश्न है, ऐसा ही एक प्रश्न है जो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उत्तर तो वही आने, मैंने बताया था आपको एक दो तीन। ठीक है, तो देखो किस प्रकार का प्रश्न है। आगे प्रश्न है कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, फिर है साइन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन हाँ चलो कोट ही है, बटे साइन थीटा प्लस फिर हो जाएगा कोट 40 बटा टेन 50 प्लस कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 70। ये प्रश्न आपको दे रखा है। पहली बात तो देखो कोट 90 माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा टेन थीटा, 90 वाली लाइन पे चेंज कोण, कोट किस में टेन में और थीटा कितना है थीटा, तो टेन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 वाली लाइन पे चेंज कोण, साइन किस में कोस में और थीटा की जगह थीटा, मतलब ये तो आ जाएगा टेन थीटा, ये आ जाएगा क्या कोस थीटा और बटे साइन थीटा। कोट और टेन 40 और 50 दे रखा है, 90 हो रहा है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। यहां प्लस में दे रखा है 20 और 70, 20 और 70 दे रखा है, इसका मतलब दोनों में से एक को क्या करना है चेंज करना है, कर दो। चलो कोट 40 को कर लेते हैं पहले, तो कोट 40 क्या होगा, कोट 90 में से कितने घटाएं 50 घटा दे सर, यहां कोट चेंज हो गया किसमें 10 में और थीटा कितना 50, फिर आप दूसरा चेंज करोगे इन दोनों में से एक, तो यहां कोस स्क्वायर 20 है, इसको चेंज करोगे कोस स्क्वायर 90 में से कितने घटाओगे 70, अब यहां कोस को चेंज किया तो किस में हो जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर 70 रख दो इसमें मान। बताओ भी कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा सर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा होगा अपॉन साइन थीटा, और फिर हो जाएगा प्लस कोट 40 की जगह आप क्या रखने वाले हो टेन 50, तो ये हो जाएगा टेन 50 बटे कितना टेन 50 प्लस कोस स्क्वायर 20 की जगह साइन स्क्वायर 70, तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70। यहां देखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, इसमें देखोगे एक हो गया, ये एक प्लस ये एक प्लस, इसमें देखो आप टेन थीटा कैसे हल करने वाले हैं, या तो आप इसको ऐसे कर लो कि इसे टेन थीटा को साइन कोस में चेंज कर दो, तो ये क्या होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और पहले से कौन था कोस थीटा बटे साइन थीटा, पहले से था कि नहीं था, था सर। ठीक है, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, एक प्लस एक प्लस एक कितना हो गया तीन, ये इस प्रश्न का क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक है, तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, बड़े आराम से हल कर सकते हैं, कोई बड़ी कहानी इसमें है नहीं। आगे एक प्रश्न है जिसमें आपको अज्ञात वैल्यू अक्ष ज्ञात करनी है, आज का लास्ट प्रश्न होगा जिसमें आपको क्या करना है अज्ञात वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखो किस प्रकार का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसका मतलब मोस्ट प्रश्न है, देखो कैसे हल करना है उसको। प्रश्न आपको दे रखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस अक्स कोस थीटा, फिर आगे दे रखा है कोट 90 माइनस थीटा बराबर, बराबर में दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा। पहले तो जो चेंज हो रहे हैं ना, और क्या करना है प्रश्न में, जो ये अक्ष दे रखा है इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो
जो चेंज हो रहे हैं उनको चेंज कर लो। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे बेटा आप? सर सेक थीटा लिख देंगे, लिख सकते हो ना। प्लस एक्स कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हो? सर टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख दिया। बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे? सर कोस थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। भाई साइन पास वाला कोण है, कोस कोस में चेंज होगा, कोट के पास वाला टेन है, टेन में चेंज होगा, कोसेक के पास वाला कोण है, सेक सेक में चेंज होगा, कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप क्या करोगे प्रश्न को हल करने के लिए, देखो यहां सेक है यहां टेन है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा हल करूं तो इस प्रकार से हल करूंगी, इसको चेंज कर दूं साइन कोस में। साइन कोस में चेंज करने से क्या होगा, ये तो हो जाएगा वन अपॉन कोस थीटा, प्लस ये हो जाएगा एक्स कोस थीटा गुणा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा कोस थीटा। आगे हल करोगे वन अपॉन कोस थीटा प्लस यहां कोस से कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स साइन थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। फिर आगे जब आप हल करोगे तो इसको किस प्रकार से हल करोगे, देखो आगे जब हल करोगे तो ये हो जाएगा हाँ जी, आपको मान किसका ज्ञात करना है, अक्ष का करना है ना, तो जो अक्ष वाला है इसका मतलब ये चर है, ये क्या है अचर है, इस चर को एक तरफ रख लो अक्ष साइन थीटा, बाकी जो मान है उसको क्या कर देंगे एक तरफ कर देंगे। पहले से ये कोस थीटा था, ये एक्स्ट्रा था, उधर चला गया, कहीं का हो गया माइनस का हो गया, ये हो गया अक्ष साइन थीटा बराबर एलसीएम लोगे बताओ भी क्या आएगा कोस थीटा आएगा सर, एक का भाग दिया कोस थीटा बार, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इससे ये कट गया तो क्या बचा फिर एक बचा, ठीक है। यहां से आप देखोगे अक्ष साइन थीटा बराबर अपने पास सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा का, क्या होता है सर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन मैं यहां से देखो माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं माइनस, तब क्या होगा जो माइनस है वो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां क्या आएगा माइनस आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक, इसकी जगह क्या रख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां क्या दे रखा है माइनस, तो माइनस आएगा साथ में बटे क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है। मान किसका चाहिए, केवल एक्स का, देखो इधर अंश में क्या है साइन थीटा, इधर अंश में क्या है दो है घात साइन थीटा की, एक से एक कट जाएगा तो एक क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा, तो एक्स बराबर बचा एक तो ऊपर माइनस का साइन थीटा और बटे क्या बच गया कोस थीटा, पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस का टेन थीटा, और ये प्रश्न आपका हल हो गया। क्या किया, कुछ ही नहीं किया प्रश्न में, सबसे पहले जो भी प्रश्न था उसमें जो चेंजिंग मान थे उनको क्या कर लिया मैंने चेंज कर लिया, फिर इसके बाद में साइन कोस में चेंज किया और आगे हल करता गया, जिस मान की वैल्यू आपको ज्ञात करनी तो उसको एक पक्ष में रख लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा था उसको अलग पक्ष में ले गए, मतलब पक्षांतर करके वहां से हल किया आपके पास। यहां जरूर आप थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको यहां समझा दी है, ठीक है। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉमन लोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक हो जाएगा, इसका मतलब कोस इसकी जगह तो ये लिख ही सकते हैं, लेकिन जब आपको ऐसा दिख जाए ना तो उसकी जगह ये लिख दोगे लेकिन आगे क्या आएगा माइनस, तो मैंने माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब साइन थीटा से एक साइन थीटा तो कट गया भाई, ये गुणा में है इधर कहीं में लगेगा बाद में लगेगा, तो यहां बाद में आ जाएगा साइन से एक साइन कट जाएगा, अंश से अंश वाला मान करता है, हर से हर वाला मान करता है, कब जब बीच में कहीं का चिन्ह हो बराबर का चिन्ह हो, ठीक है। तो इससे ये कट गया, बचा क्या साइन थीटा बटे कोस थीटा, अब साइन बटा कोस क्या होता है टेन, साथ में माइनस था माइनस आ गया। तो ये इस प्रश्नावली की महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे, इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, आप प्रश्नावली हल कर लेना, उसमें से जो मोस्ट प्रश्न होंगे जो थोड़े अलग प्रकार के होंगे वही प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, सारे प्रश्न मैं एक एक नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं यहां बता देता हूं आप उसको पढ़ लेते हो, घर पे आप हल करने की कोशिश करते नहीं हो, प्रश्न सोल्व करते नहीं हो, और आपको वो चीज दो दिन तो याद रहती है, तीसरे दिन आप उसको दिमाग से निकाल देते हो, ठीक है, तो आपको ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। वो उस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न बताया था, क्यों, क्योंकि वो प्रश्नावली मोस्ट थी, उसको एक बार बताएंगे ना तभी आप उसमें, क्यों उस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न में कुछ नया इश्यू आ रहा था, तो वहां वो चीज समझाना जरूरी था, यहां सेम प्रोसेस है सब में, एक प्रश्न बताऊंगा तो भी वही बात है, सारे प्रश्न बताऊंगा तो भी वही बात है, ठीक है। तो आप प्रश्नावली को हल कर लेना, मैं नहीं बताने वाला, प्रश्नावली में जो मोस्ट प्रश्न होंगे वही मैं आपको रिपीट मारूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे की क्लास जो है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।